Welcome back students, let's start with the same topic, non-conventional sources. With increase in the demand for energy and fast depletion of the conventional energy sources, the non-conventional sources of energy are gaining importance. अब जिस तरीके से demand increase हो रही है energy के लिए और जो conventional energy है उसके source है उनमें कमी आती जा रही है, तो non-conventional जो sources हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है ह्यूमन लाइफ में. दिस एनर्जी इज अबंडेंट, रिन्यूएबल, पोल्यूशन फ्री एंड इको फ्रेंडली. नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है वो क्या है, इको फ्री है, पोल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है, रिन्यूएबल है, जो खत्म होने वाली नहीं है, इसको दोबारा से हम यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं. इट कैन बी मोर इजीली सप्लाई टू रूरल, अर्बन एंड रिमोट एरियाज. ये हर जगह पे काम आती है, चाहे रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है या जो रिमोट एरियाज हैं, सब जगह इसकी इजीली सप्लाई होती है. इसलिए इसको एनर्जी ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है. तो इसमें फर्स्ट अपना आता है बायोगैस. बायोगैस एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का. जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन या एनिमल के जो भी वेस्ट है, काउ डंग है, डेड प्लांट्स है, किचन के वेस्ट है, अब इनको कन्वर्टेड कर दिया जाता है गैसेस फ्यूल में, तो इसको बायोगैस के नाम से जाना जाता है. इट इज यूजफुल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग होम्स. अब ये किस लिए यूजफुल होते हैं, कुकिंग में भी यूजफुल है और लाइटिंग के लिए भी, लाइटिंग का काम भी करते हैं. अब लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट्स. इंडिया इज द लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी. China has also developed this technology. अब ये लार्ज अमाउंट में बायोगैस प्लांट अब प्रोड्यूस किए जाने लगे हैं. अब इंडिया है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है. बायोगैस का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है. उसके बाद इंडिया के बाद इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना प्रोड्यूस कर रहा है. जो फर्स्ट नंबर पे है वो इंडिया है और सेकेंड नंबर पे कौन आता है, चाइना आता है. यहाँ पे बायोगैस का यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को. ये बायोगैस का पावर प्लांट दिखाया है किस तरीके से ये बनती है, कैसे इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट आता है टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी क्या है, जो वाटर के थ्रू या कोस्टल एरियाज में जो टाइड्स आते हैं उनके थ्रू जो बनाई जाती है वो है टाइडल एनर्जी. द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर इन द कोस्टल एरियाज कॉल्ड टाइड. अब जो कोस्टल एरियाज हैं, जो सी है, सी के वाटर का जो राइज होता है, फॉल होता है, उसको ऊपर उठना और गिरना, इस तरीके से लहरें बनती हैं, जिनको क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं. अब ये जो एनर्जी है हाई टू लो टाइड, ये इनको यूज किया जाता है, टर्न किया जाता है टर्बाइन में और जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी से. बट ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी तक फुली डेवलप नहीं है, अच्छे तरीके से इसको डेवलप नहीं किया गया है. जो टाइडल एनर्जी है ये एनर्जी फ्रांस, यूके, रशिया और इंडिया में जनरेट की जाती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या है, अब इसके नेम से पता चल जाता है कि इसको जो अर्थ की हीट है उसके थ्रू बनाया जाता है. As the name suggests, geothermal power is generated by the using of the heat of the earth. किसके थ्रू बनती है, जो अर्थ की हीट होती है उसके थ्रू ये पावर बनती है, एनर्जी बनती है. The energy derived from the hot springs, emission of derived steams from hot rocks at great depths is called the geothermal energy. ये एनर्जी जो हॉट स्प्रिंग से, emission of dry और wet steam से आती है, हॉट रॉक से मिलती है जो ग्रेट डेप्थ में होती है, इसको जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है. अब इस एनर्जी का यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. यूएसए और आइसलैंड है जो इसके लीडर जनरेटिंग प्रोड्यूसर्स हैं. सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी इन देशों में यूज होती है. इसके बाद जो अदर कंट्रीज है उसमें आता है जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, टर्की और इंडिया, जो जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं. नेक्स्ट है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या होता है, जो सन एक सोर्स है एनर्जी का, तो सन के थ्रू जो हम एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको सोलर एनर्जी
बोला जाता है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। अब सन क्या है, जो अर्थ पर जितनी भी हमें एनर्जी मिलती है उसका एक वाइटल सोर्स है। इन द ट्रॉपिकल रीजन सोलर एनर्जी इज वाइडली अवेलेबल। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधी पड़ती हैं। बट इट हैज़ बीन फुली डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी। बट ये अच्छे तरीके से फुली डेवलप नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक टेक्नोलॉजी इस तरीके की नहीं बढ़ी है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि इसका सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज कर सके। फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो फोटोवोल्टिक सेल होती हैं वो डायरेक्टली सनलाइट को क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। एट प्रेजेंट सोलर एनर्जी इज बीइंग एम्प्लॉयड इन हीटिंग एंड कूलिंग एप्लायंस। अब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, सोलर एनर्जी का कहाँ पे यूज किया जाता है, हीटिंग या कूलिंग के लिए। कोई एप्लायंस है जो अपने होम्स में उनको कूल या हॉट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सोलर वाटर हीटर्स, स्ट्रीट लाइटिंग, कुकिंग, पंपिंग, सोलर पॉन्ड्स, ये पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पॉपुलर हो चुके हैं। इंडिया है, इस इंडिया भी इसके अच्छे एफर्ट कर रहा है सोलर एनर्जी को लार्ज स्केल पर लाने के लिए। इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होता है। ये फोटोवोल्टिक सेल्स हैं जो सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं, जो सनलाइट को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके उससे सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड पावर हैज बीन हार्नेस फॉर सेंचुरीज ऑफ ड्राई मिल्स एंड विंड इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब जो विंड है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक सोर्स है, जो बहुत सारी सेंचुरी से पुराने टाइम से चला आ रहा है, एक अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स है। द कॉस्ट इनपुट आर ओनली एट द इनिशियल स्टेजेस। अब जो कॉस्ट है इसके सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पर इसकी कुछ कॉस्ट आती है, उसके बाद वंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट कॉस्ट फ्री पावर इज रेगुलरली अवेलेबल। स्टार्टिंग में इस पर कुछ कॉस्ट होती है, बट उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये कॉस्ट फ्री पावर रेगुलरली हमें अवेलेबल होती है। नीदरलैंड फर्स्ट कंट्री है जिसने विंड एनर्जी का यूज किया था विंड मिल के थ्रू। अब विंड फार्म्स को अलग अलग जगह पे सेटअप किया गया है, जैसे कोस्टल एरियाज में, माउंटेन पासेस में, जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं उन एरिया में विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। अब विंड फार्म्स है जो जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, चाइना और इंडिया में इनको डेवलप किया गया है सबको। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की, किस तरीके से इनको कंजर्व करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए मिनरल्स का और पावर रिसोर्सेज का। द इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द डिमांड ऑफ मोर एंड मोर पीपल टू हैव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हैव रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। अब जिस तरीके से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, वंस कंज्यूम्ड दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड सोर्स। जो मिनरल होते हैं ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, एक बार उनको यूज कर लिया जाए तो उसको अपने रीजनरेट नहीं कर सकते, अगर वो खत्म हो जाए तो उनको दोबारा से उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। Continuous mining and wasteful use of minerals and power sources may lead their exhaustion. अब जिस तरीके से continuous mining चल रही है, ज़्यादा use हो रहा है mineral का और power resources का, तो वो exhaustion की तरफ जा रही है, वो खत्म होने पर आ रही है। Therefore, it is necessary to use them economically. अब इसलिए उनका क्या use है कि उसको अच्छे तरीके से use करें, economic way में इसको use करें। अब इसके स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से इनको कंजर्व किया जा सकता है मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज को। फर्स्ट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही इनको यूटिलाइज करो। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन,
जो टेक्निक्स हैं मिनरल्स को बाहर निकालने की, माइनिंग की, उनको प्यूरिफाई करने की, उनको इम्प्रूव करें, उनमें इम्प्रूवमेंट लाए। रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की रिसाइकलिंग होनी चाहिए कि किसी रिसोर्स को एक बार यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा से यूज़ कर सके। सेविंग माइंस फ्रॉम कोलैप्सिंग, अब जो माइंस उनको कोलैप्सिंग से, उनको खत्म होने से बचाना चाहिए। यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, अब जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज है उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे कन्वेंशनल जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनकी जगह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए। इफ़ द अबव स्टेप्स आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली देन द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज विल इंश्योर ए बेटर इकोनॉमी फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर इकोनॉमी होगी, बेटर वे होगा जनरेशन के लिए जिससे वो अपने मिनरल्स को और पावर रिसोर्सेज को यूज करें। थैंक यू, हैव अ गुड।